का बॉर्डर है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नौवा दिन है। सो फुनसिलिंग से अब निकल रहे हैं रांची की ओर। आज लगभग 15 घंटा लगेगा पहुंचने में, 766 किलोमीटर है। और मौसम अब ऐसा है कि गर्म होना चालू हो गया है। आगे जाके फिर बात करते हैं। अब ये पीछे गेट है मेन, जिसे हम एग्ज़िट करेंगे। और यहाँ रुके थे, एशियन करके हैं, तो 1500 से 2000 रुपये होटल का चार्ज है। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू बैक टू इंडिया। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं राइड को। ओके फ्रेंड्स, सो कैसे हैं लवली पीपल्स। कल की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी कैमरे की, तो आगे का वीडियो नहीं बन पाया था। और आज ऐसा है कि वापसी की ओर है। फुनसुलिंग का गेट ये जो है सामने है, और बस यहाँ से पार करके इसको सी यू टाटा करने वाले हैं। और थोड़ा गरम गरम फील होने लग गया है। 6:30 बज रहे हैं ये, और साथ ही साथ ये हम बाहर निकल रहे हैं गेट से टाटा बोलते हुए। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, गाड़ी वाड़ी चेकिंग होती है। कार बाइक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आउटर है, मीन एग्जिट है। पहले ये एंट्री भी था और एग्जिट भी था, मगर अब ये सिर्फ एग्जिट गेट है और उधर थोड़ा आगे से एंट्री गेट है। तो अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि मंजिल हमारी रांची है। और अब देखते हैं कितनी गर्मी है। ऊपर तो ठंडी का मजा लिए हैं, अब गर्मी का मजा लेना है। चलते हैं फ्रेंड्स। गेट से एंट्री तो पहले किए थे, आज एग्जिट कर लिए हैं। फाइनली हमने भूटान कवर कर लिया है। और 5:30 बजे ओपन होता है और रात को 10 बजे बंद हो जाता है गेट। तो ध्यान दें इस टाइम को, अभी 5:30 बजे खुल चुका है। तो हम लोग अब निकल चुके हैं, 6 बज गए हैं। तो वी आर ऑन चेगांव, अब निकल रहे हैं यहाँ से। लगभग 6 बज रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों सुपेरे का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत है। और ये रोड भी कितनी शानदार है, ऐसी रोड देखने को नसीब नहीं होती है। इधर की रोडें इतनी शानदार हैं, पूर्णिया और सिलीगुड़ी पूर्णिया तक तो नो डाउट बहुत बेहतरीन रोड है। उसके बाद हमको थोड़ी सी रोड ख़राब मिलेगी। अभी तो सिर्फ इसका मज़ा लेते हैं साथ ही साथ, और कुछ तो देखने को नहीं है। आज पूरा दिन सिर्फ हम राइड करेंगे, राइड राइड राइड। तो चलिए साथ ही साथ आप भी इस राइड का मजा लीजिए। थे सुबेरे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, अभी 8:30 बज रहे हैं। और ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, जो कि सिलीगुड़ी से नज़दीक है। हम लोग बाईपास होके जा रहे थे, तो सोचे थोड़ा बॉर्डर का नज़ारा भी ले लें। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अब जो है वो सीधा अंदर जाने के बाद होगा। और यहाँ पर जो ट्रकें भरी हुई है, पता नहीं, सिर्फ यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई है। जितनी भी यहाँ से पूरा आखिरी तक लाइन से जो ट्रकें खड़ी है, यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है उसके अंदर। अब यहाँ किस उपयोग में आता है पता नहीं, ये सब गाड़ियों की लाइन उसी के लिए है। अभी खुला नहीं है यहाँ एंट्री, ऐसा है कि एंट्री हो रही है फिर उसके बाद, तो अपना कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है यहाँ जाने का। तो अभी यही बॉर्डर है बांग्लादेश, अंदर जाने का एंट्री AH2।
पहुंच गए हैं, पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं। बस ये है कि अब 70 किलोमीटर पूर्णिया बचा हुआ है और उसके बाद फिर पसीने छूटने वाले हैं, क्यों वैसे भी गर्मी है। और ये देखो धुर्रा उड़ा के जा रहा है, ये हमारे सत्यानाश करेगा पूरा और कुछ नहीं। 70 किलोमीटर बचा हुआ था और फिर उसके बाद अपने जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिज है वो क्रॉस करेंगे। तो बस भागलपुर के रास्ते पे है पूर्णिया, भागलपुर रास्ता जो है उसमें क्रॉस करेंगे हम उसको। चलते हैं फ्रेंड्स, पूरा उड़ा दिए पूरा ट्रक वाला। दोस्तों हम पहुंच गए हैं विक्रमशिला सेतु, इस ब्रिज का नाम है। ये 4.7 किलोमीटर का है जो पूर्णिया से भागलपुर जोड़ता है और ये गंगा नदी के ऊपर में बना हुआ है। लेंथ इसकी अच्छी है और थोड़ी संकरी बनी हुई है, बाकी बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े ब्रिज हमारे इंडिया में है। दैट्स द व्यू ऑफ दिस ब्रिज। चलते हैं आगे। ओह शिट, एक्सीडेंट हो गया है किसी का। ओहो दे दैट, बस यही है आप दोस्तों से कि देख के चलाएं और कोशिश ये रखें कि आप सेफ रहें हर तरीके से। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की ओर अपन। रूट तो वही है दोस्तों, जिस रूट से हम गए थे उसी रूट से वापस आ रहे हैं, मगर इस बार टाइम टेकिंग क्या है, हमने सोचा कि देवघर थोड़ा क्रॉस करके रांची पहुंचेंगे, स्टे करेंगे रांची में। मगर ऐसा हुआ कि भागलपुर से देवपुर का जो रूट है वो थोड़ा सा हेक्टिक है, और हेक्टिक के साथ साथ अभी ऐसा है कि देवघर हम पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं। पहुंच के कुछ स्नैक्स करेंगे और आज हो सकता है कि लेट हो जाए। और वहाँ से 200 किलोमीटर लगभग देवघर से रांची हमको पहुँचने में लगेगा, और देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। तो दोस्तों 7:30 बज गए हैं और स्नैक्स हमने कर लिए पेट भर के, अब 200 किलोमीटर जाना है, रांची बचा हुआ है, देखते हैं कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं। चलते हैं जल्दी। तो रात के 1:30 बज गए हैं, रांची पहुंच गए हैं दोस्तों, और बैटरी डाउन होने वाली है। तो Day 9 की स्टोरी यहीं खत्म होती है। गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज Day 10 है, 31 तारीख है। फाइनली कल रात को 1:30 बजे हम होटल पहुंचे, लेट हो गया था, रोड भी बहुत ख़राब थी और कुछ चेकिंग के वजह से और रश भी था, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, 1:30 बज गया था। आज अभी 9 बज रहा है, हम लोग निकल रहे हैं। रांची में रुके थे, कल स्टे किए थे ओयो होटल ब्लू क्रिस्टल में। बहुत अच्छी बात है कि भाई ये हमको, हम रात को 1:30 बजे आए, बंद था फिर भी इन्होंने खोला और रूम जो ऑलरेडी बुक था वो हमको मिल गया और साफ़ सुथरा था। तो वो आपको मैं डिटेल दे दूंगा। तो अभी हम रांची से निकल रहे हैं बिलासपुर की ओर, 536 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक हम क्लियर कर लेंगे। तो अभी चलते हैं, राइड पूरा करते हैं, अभी कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे चलते चलते, और फिर उसके बाद हम अपनी राह की ओर निकल जाएंगे। लगभग 300 किलोमीटर हाईवे है तो मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करके आज फाइनल क्लोज करते हैं अपनी राइड को।
तो पहुंच गए मक्खन भोग हटिया स्टेशन के बाजू में, दबा के खाएंगे नाश्ता। तो हम हटिया रेलवे स्टेशन के नज़दीक बैठे हुए हैं दोस्तों, और कल तो रात इतनी हो गई थी कि भूख लग रहा था, फिर भी कुछ मिल नहीं रहा था। तो आज अब मन भर के खाएंगे और मन भर के राइड करेंगे 500 किलोमीटर का। फिलहाल तो होटल अच्छा है, बड़े देर बाद ऐसा लग रहा है कि खाने को मिला है वैरायटी। चलिए खाते हैं। तो पेट भर नाश्ता हो गया है, 11 o'clock हो गए हैं और अब नॉन स्टॉप गाड़ी चलानी है। फ्रेंड्स चलते हैं जल्दी और नज़ारा देखिए फिर यहाँ। देखिए अब रांची के बाहर निकले हैं, ये भी एक भूटान की तरह हो गया है, कब मौसम बदल जाए पता ही नहीं लगता। देखिए कैसा हो गया है मौसम, मजा आएगा राइड करने में, गर्मी दूर हो जाएगी। चलते हैं आगे की ओर। तो ये है नजारा, पहले था बरसात और अब है धूप, मिला के कब क्या हो जाए आजकल कोई भी जगह का पता नहीं लगता, कब बरसात हो जाए कब निकल जाए, इसका भी नज़ारा देखिए। पुलिसा के नज़दीक पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो लवली पीपल्स, हम उड़ीसा बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, बस रायगढ़ की ओर हैं और समय 5:30 बज चुका है। कुछ देर बाद ऐसा होगा कि अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं सोचा आपसे चलते चलते बात कर लूँ, फिर हो सकता है बैटरी भी डाउन हो जाए, पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं है। लगभग 11:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, 5:30 बज गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। आज अप्रॉक्सीमेटली हमारा 3,500 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा घर पहुंचते तक। तो कैसा लगा आपको भूटान जो मैंने एक्सप्लोर करवाया, आपको कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों, और मज़ा तो बहुत आया। तो आप भी क्या है, अगर कुछ इंक्वायरीज हैं तो पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसा है कि मज़ा तो बहुत आया। अब ऐसा है कि क्या खर्चे और लगने वाले हैं बाइक में वो तो अब जाने के बाद पता लगे, अभी तक कोई हम बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सेफ हम गए और सेफ हम वापस आए हैं। और बीच रास्ते में छोटा एक्सीडेंट हुआ था वो तो आप देख ही होंगे। तो मेरा ये है कि भाई गाड़ी चलाएं तो सेफ होके चलाएं और बिल्कुल अलर्ट होके चलाएं, क्योंकि भाई लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। शेयर करना, सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना ना भूलें, और घंटी को दबा के हारी मतों से विजय बनाए मुझे। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, एपिसोड ये लास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स।